हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। यहाँ पे एक और भर्ती निकल के आ रहा है, जो वैकेंसी आ रहा है दोस्तों एनएमडीसी। एनएमडीसी के तरफ से ये भर्ती निकल के आ रहा है, और ये जो भर्ती है दोस्तों अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, ये जो वैकेंसी निकल के आ रहा है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, आपको ये याद रख लीजिए। आईटीआई डिप्लोमा डिग्री सभी लोगों के लिए ये भर्ती है। अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहती हो तो ही ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकती हो। मैं आप लोग को स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं सारे जानकारी दूंगा कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है। वीडियो को बस एंड तक देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस पेंडेमिक सिचुएशन में कहीं पे भी अगर अप्रेंटिसशिप भी रिक्रूटमेंट आ रहा है या कहीं पे ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है, तो आप लोग को इसको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये पेंडेमिक सिचुएशन में जॉब का इशू बहुत है। आप लोग को अप्रेंटिसशिप इस टाइम में कर लेना चाहिए। चलिए मैं पूरा डिटेल्स में आप लोग को बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एनएमडीसी लिमिटेड, ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिटी है दोस्तों। यहाँ से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट है, और यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर देख सकते हो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप एंड प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव। और ये जो तीसरे नंबर प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो है, उसके लिए आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब आईटीआई सर्टिफिकेट है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कुल मिला के 59 पोस्ट है, और 59 से ग्रेजुएट जो बीटेक या बी है तो आपको 16 पोस्ट रखा गया है। टेक्नीशियन जो डिप्लोमा है 3 ईयर डिप्लोमा के लिए 13 पोस्ट है, और प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो आईटीआई स्टूडेंट के लिए 30 पोस्ट है। कुल मिला के 59 पोस्ट रखा गया है। दोस्तों ये जो अप्रेंटिसशिप निकला है आप लोग के लिए, सैलरी जो है स्टाइपेंड बहुत बढ़िया दे रहा है। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए 20,000 मिल रहा है, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए 16,000 है 16,000, और आईटीआई स्टूडेंट के लिए 10,000। बहुत बढ़िया दे रहा है दोस्तों। जितना भी दूसरे यूनिटी में जितना भी अप्रेंटिसशिप के लिए सैलरी रखा जाता है, उससे कहीं ज़्यादा रखा गया है इसमें। दोस्तों आपको कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे जो भी अप्रेंटिसशिप है वो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए mhrd.nats.gov ये है वेबसाइट है, और उसके बाद डिप्लोमा एंड आईटीआई स्टूडेंट के लिए ये वेबसाइट में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हार्ड कॉपी और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे स्कैन करके आपको एक मेल एड्रेस दिया गया है, इस मेल एड्रेस को आपको भेजना पड़ेगा। और कब तक इसको भेज सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, बिफोर 15 जून 2021, 15 जून से पहले आप लोग इसको अप्लाई कर लेना चाहिए। 15 जून 2021 के बाद इसका लास्ट डेट खत्म हो जाएगा, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। अभी कोविड के टाइम में अगर कोई भी अप्रेंटिसशिप भी निकल रहा है और अच्छा खासा स्टाइपेंड है, तो भी आप लोग इसको अप्लाई कर लेना चाहिए।